बिग बॉस ने तोड़ दी अपने 15 सालों की परंपरा, जो अभी तक के 15 सालों में बिग बॉस के घर में नहीं हुआ है, वो 16वें सीजन में होने वाला है। वेल, क्या ये पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं। वेल, जैसे कि प्रोमोज आ रहे थे बिग बॉस के शुरू होने से पहले कि ये सीजन होने वाला है काफी ज्यादा अलग, जो अभी तक के 15 सालों में नहीं हुआ है वो इस सीजन में होने वाला है, तो काफी सारा लोग सोच रहे थे कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्या खुद बिग बॉस नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक बदलाव हो गया है तो वो ये है कि जैसे कि मॉर्निंग होती थी जो कि जनता को भी काफ़ी पसंद आती थी और जो कंटेस्टेंट्स थे उनको भी पसंद आती थी, वो ये था कि मॉर्निंग में उनको गाने के थ्रू उठाया जाता था, एक गाना बजता था जिसमें सब उठते थे, डांस करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ संडे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कंटेस्टेंट को गाने के थ्रू यानी कि मॉर्निंग सॉन्ग के थ्रू उठाया जाएगा, उसके बाद कोई भी सॉन्ग नहीं बजेगा। ये हो चुका है सबसे बड़ा बदलाव, यानी कि अब मॉर्निंग में इनको कोई सॉन्ग सुनने को नहीं मिलेगा, कोई डांस करने को नहीं मिलेगा। डांस कर सकते हैं लेकिन किस पर? बिग बॉस के एंथम पर। जी हाँ, यहाँ पर सुबह उठ करके इनको बिग बॉस का एंथम पढ़ना होगा कि बिग बॉस अच्छे हैं, बिग बॉस ऐसे हैं, बिग बॉस वैसे हैं, तो बाकायदा एक एंथम है जिसको इनको पढ़ना पड़ेगा। जब कंटेस्टेंट ये सुनते हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वेल, आपको ये वाला जो बदलाव है बिग बॉस का कैसा लगा, कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मुझे इतना नहीं अच्छा लगा क्योंकि मॉर्निंग सॉन्ग की तो बात ही अलग होती है, मतलब ऑफकोर्स हम लोग भी उसको इंजॉय करते थे और कंटेस्टेंट भी इंजॉय करते ही थे क्योंकि मॉर्निंग में उठ के सॉन्ग सुन लो और फिर डांस कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन अब आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये बिग बॉस का नया आइडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।